Hi everyone, hope you're doing well. So today's video is part of our famous YouTuber free strategy series where we test strategies provided by your favorite YouTubers and backtest those strategies and calculate the real win rate. So in this video, we will see another strategy. Credit for the strategy goes to Mr. Gomuti Shankar from Gomuti Shankar CPR by KGS, who has a YouTube channel with over 120k subscribers. आप उनका चैनल देख सकते हो स्क्रीन पे. हमारे भी चैनल पे बहुत जल्दी 15k होने वाले हैं. सो अगर आप में से कोई है जिसने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा कंटेंट भी अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी कर दो. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अनदर फेमस स्ट्रेटजी व्हिच इज CPR प्लस R1S1 प्लस प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो स्ट्रेटजी. स्क्रीन पे आपको स्ट्रेटजी दिख रहा होगा. ही इज अमंग दोज यूट्यूबर्स हुज चैनल इज बेस्ड ऑन CPR लाइक मद्रास ट्रेडर एंड पिवट कॉल्स. बाय द वे उनकी भी हमने स्ट्रेटजी चैनल पर टेस्ट किया है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो. वो भी अराउंड 2020 लॉकडाउन के टाइम CPR बेस्ड स्ट्रैटेजीज है ना बहुत ट्रेंड में चल रहा था, क्योंकि CPR देखने में बहुत सिंपल लगता है और एक लीडिंग इंडिकेटर है और ऑलमोस्ट मेजर लोगों ने CPR का कोई ना कोई स्ट्रैटेजी देखा ही होगा उस टाइम पे. सेम इनका भी चैनल CPR बेस्ड ही है और इन्होंने अपने चैनल पे बहुत सारी CPR बेस्ड स्ट्रैटेजीज दिया है और बैंक निफ्टी की भी प्रेडिक्शन और एनालिसिस वीडियो करते हैं. इनका एक पॉपुलर स्ट्रैटेजी है जो बहुत लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया था टेस्ट करने, और वो है प्रीवियस डे हाई R1 ब्रेक और प्रीवियस डे लो S1 ब्रेक स्ट्रैटेजी. इनका ये कहना है कि ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आप यूज कर सकते हो, बट इनका फोकस बैंक निफ्टी पे रहता है. सो हम इसको बैंक निफ्टी में ही टेस्ट करेंगे. एज यू नो दिस इज अ इंडेक्स स्ट्रैटेजी और आप जानते हो कि हम इंडेक्स स्ट्रैटेजी को फ्यूचर्स के लिए टेस्ट करते हैं और उससे डिसाइड करते हैं कि ऑप्शन में कैसे काम करेगा. तो हम इंट्रो के बाद स्ट्रैटेजी पे चलते हैं जहां हम CPR प्लस प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे इन बैंक निफ्टी और चेक करेंगे कि कैसे काम करता है. सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. चलिए सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे और बैंक निफ्टी प्लॉट करेंगे. सिंपली यहाँ ऊपर क्लिक करके बैंक निफ्टी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. अब टाइम फ्रेम को हम 5 मिनट्स कर देंगे. इसके बाद हम ऊपर इंडिकेटर्स में जाएंगे और CPR बाय KGS को सर्च करेंगे. ये इनका कोडेड इंडिकेटर आ जाएगा, उन्होंने अपनी वीडियो में यही यूज़ करते हैं सो हम भी अपनी वीडियो में यही यूज़ करेंगे. इसके बाद हम इसके सेटिंग्स में जाएंगे और इनपुट में सिर्फ डेली पिवट और प्रीवियस डे हाई लो को छोड़ के बाकी सब अनटिक करेंगे. अब स्टाइल में जाके डेली R3 R4 और डेली S3 S4 इनको अनटिक करेंगे. हो गया सेटअप रेडी. चलिए रूल्स देखते हैं. रूल्स फॉर बाय एंट्री. फर्स्ट रूल, कैंडल शुड क्लोज अबव बोथ R1 एंड प्रीवियस डे हाई. फिर द कैंडल क्लोजिंग शुड बी अ हेल्दी ग्रीन कैंडल. बस दो ही कंडीशन है. अब जब ये होगा वो हमारे लिए ट्रिगर कैंडल हो जाएगा. एंट्री वुड बी एट द क्लोज ऑफ द ट्रिगर कैंडल. स्टॉप लॉस बिलो द लोवेस्ट ऑफ द ट्रिगर कैंडल लो प्रीवियस डे हाई एंड R1. इन तीनों में से जो भी सबसे नीचे होगा ना हम उसको अपना स्टॉप लॉस रखेंगे. और फिर टारगेट R2. इसमें एक और रूल है जो हम ऐड कर रहे हैं कि अगर स्टॉप लॉस 150 पॉइंट्स के ऊपर रहा तो हम उस ट्रेड को इग्नोर करेंगे, या रिस्क रिवॉर्ड 1 से कम रहा तो भी हम उस ट्रेड को इग्नोर करेंगे. जैसे आप इधर देख रहे हो यहाँ पर स्टॉप लॉस 62 पॉइंट्स का है और रिस्क रिवॉर्ड भी 2.89 है विच इज मोर देन 1, इसलिए हम ये ट्रेड को वैलिड मानेंगे और यहाँ हमारा प्रॉफिट हुआ. और एक चीज, इसमें उन्होंने कितना री एंट्री लेना है अपने वीडियोस में नहीं बताया, बट ऑब्वियसली वो अपने वीडियोस में री एंट्री तो लेते ही है. सो हम जस्ट फॉर बैक टेस्टिंग हम मैक्स री एंट्री एक ही ले सकते हैं ऐसा अज्यूम करेंगे और टेस्ट करेंगे. चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे यहाँ देखिए, यहाँ प्राइस ने प्रीवियस डे हाई और R1 के ऊपर क्लोजिंग दिया है मेकिंग अ गुड ग्रीन कैंडल. सो हम इसके क्लोज पे एंट्री लेंगे. स्टॉप लॉस इधर कैंडल का लो रखेंगे सिंस ये सबसे नीचे है और 150 पॉइंट्स से छोटा है, और टारगेट R2 एंड दिस रिजल्टेड इन अ विन. आई होप आपको बाय रूल्स क्लियर है. आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू गिव शाउट आउट टू चार्ट प्राइम हु आर टुडेज वीडियो स्पॉन्सर. जिनको नहीं पता, चार्ट प्राइम इज अ कस्टम इंडिकेटर सर्विस. ये बाकी सब इंडिकेटर सर्विस जैसे आपको सिर्फ बाई या सेल के टिप्स देने वाले सर्विसेज नहीं है. इनका गोल उन ट्रेडर पे फोकस्ड है जो अपने ट्रेडिंग करियर के मामले में सीरियस है और इनके टूल को एडिशनल कन्फर्मेशन की तरह अपने एनालिसिस में यूज करते हैं. ये आपको टोटल 5 इंडिकेटर प्रोवाइड करते हैं जिसमें मोर देन 20 डिफरेंट कन्फ्लुएंस पॉइंट होते हैं जो आप अपने एनालिसिस में यूज कर सकते हो. अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आपको पता होगा
कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस या फिर टॉप डाउन अप्रोच कितना इंपॉर्टेंट होता है। जो बिगनर्स है उनके लिए सिंपल मैं बोलता हूँ, लेट्स अज्यूम कि आप एक इंट्राडे कर रहे हो, तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में क्या होता है कि पहले आप डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हो, फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हो, इसके बाद आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हो, वहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हो, और फिर जाके आप अपना 15 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट खोलते हो और वहां पर अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हो। तो अभी आपको इतने सारे लेवल्स मिल गए, आप वही लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते हो। जनरली प्राइस अपने हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। अभी ये सब प्रोसेस के सिमिलरली उनका एक इंडिकेटर है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बंडल इंडिकेटर करके, ये ऑटोमेटिकली आपको मल्टी टाइम फ्रेम लेवल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्क्रीन पे दिखा देता है, और ये उसके बाजू में लिख भी देता है कि ये कौन से टाइम फ्रेम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, और उसको रेटिंग भी देता है कि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। आप इसके सेटिंग्स में जाओगे तो आपको और बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ऐसे इनके पास और 6 अलग इंडिकेटर्स है, ऑब्वियसली दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, और मैं आपको गारंटी भी नहीं दे सकता हूँ कि आपको ये हमेशा पैसा बना के देगा, बट इतना तो हम भी जानते हैं कि हम ट्रेडर्स हैं और हम प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं। सो आई वुड एडवाइज टू टेक देयर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन एंड ट्राई आउट द प्रोडक्ट योरसेल्फ, और जितना एक्सपेरिमेंटेशन या बैक टेस्टिंग करना है कर लो, सही लगता है तो ही कंटिन्यू करो, नहीं तो मत करो, कौन फोर्स करता है। और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक रहेगा, जहाँ मेरा लिंक यूज़ करोगे तो आपको 40% तक उनका प्रोडक्ट ऑफ मिल जाएगा। सो इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग देन मेक श्योर टू चेक देम आउट। चलिए सेल रूल्स भी देख लेते हैं, ये भी सेम बाय रूल्स का ऑपोजिट है। कैंडल शुड क्लोज बिलो बोथ S1 एंड प्रीवियस डे लो, कैंडल मेकिंग शुड बी अ हेल्दी रेड कैंडल, जब अबाउ दो कंडीशन मेट होगा तो जो और जहां पर भी वो मेट होगा वो हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन जाएगा। एंट्री वुड बी द क्लोज ऑफ द ट्रिगर कैंडल, स्टॉप लॉस वुड बी हाइएस्ट ऑफ ट्रिगर कैंडल हाई, प्रीवियस डे लो एंड S1, इन तीनों में से जो भी ऊपर रहेगा ना हमारे लिए वो स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट S2। इसमें भी सेम, अगर स्टॉप लॉस 150 पॉइंट्स के ऊपर रहा तो हम उस दिन का ट्रेड इग्नोर कर देंगे, और रिस्क रिवॉर्ड 1 से भी कम रहा तो भी हम इग्नोर करेंगे। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ प्राइस ने प्रीवियस डे लो और S1 के नीचे क्लोजिंग दिया है विद अ गुड रेड कैंडल, सो हम इसके क्लोजिंग पर एंट्री लेंगे। इधर कैंडल के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे सिंस ये सबसे ऊपर है और 150 पॉइंट से छोटा है, और टारगेट हम S2 रखेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्टेड इन अ लॉस। कोई बात नहीं, कुछ देर बाद आपको वापस एक और री एंट्री मिल रहा है इधर, जहां पर प्राइस प्रीवियस डे लो और S1 के नीचे क्लोजिंग दिया है मेकिंग अ गुड रेड कैंडल, सो हम इसके क्लोज पे एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस इधर कैंडल के ऊपर रखेंगे और टारगेट S2, एंड दिस रिजल्टेड इन अ विन। चलिए आई होप स्ट्रेटजी क्लियर है, मैं जानबूझ के इतने सारे एग्जाम्पल कवर कर रहा हूँ ताकि आपको सब क्लियर हो जाए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उनका वीडियो देख सकते हो। तो इस स्ट्रेटजी को टोटल 100 times टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि इसका असली विन रेट क्या है। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। चलिए रिजल्ट देखते हैं। सो द टेस्ट आर ओवर, जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वाज 100, उसमें से 45 आर विन एंड 55 वाज लॉस, सो विन रेट हुआ 45%, टोटल गेन इन अकाउंट वाज 31.41% एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज -14.86%, कंटिन्यूअस विन इन अ रो इज 5 एंड कंटिन्यूअस लूज इन अ रो इज 9, मैक्स RPT इज 2.5% एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वाज 9.434 months। सो जैसे आप देख सकते हो स्ट्रेटजी इज प्रॉफिटेबल, 31.41% गेन with a max RPT as 2.50% is good, max drawdown -14.86% hai for a index strategy, it is not bad, but frequency strategy ka bahut kam hai, overall it's a good strategy, jahan par aapka rules bhi quite simple hai, kudos to Gomuti Shankar for sharing this strategy with us, as always jaise main aapko bolta hu, seedha meri baat ya kisi ki bhi baat, aapko blindly trust nahi karna hai, हर स्ट्रेटजी को आपको पहले खुद टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करता है। सो आई विल ऐड द स्ट्रेटजी इन द गूगल शीट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड दिस टेक्स द 11th पोजीशन इन द लिस्ट। यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और रीवॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी यू लाइक। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन, एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो UPI ID आपके स्क्रीन पे होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं Zerodha का लिंक डाल दूंगा, हमसे अकाउंट ओपन करके आप चैनल की थोड़ी हेल्प कर सकते हो। और अगर आपको ये बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने इसे ऑलरेडी हमारे चैनल पे शेयर किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, मेक श्योर टू चेक इट आउट। प्लीज कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए, और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोस में, ये भी जरूर बताना। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरी स्ट्रेटेजीज के वीडियोस भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट, मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।